नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं सृष्टि राय। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं यूपी के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है, जहां पीलीभीत में अखिलेश के गढ़ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हुंकार भरी और विरोधियों पर जमकर हमला किया। जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां डिप्टी सीएम ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में कमल के फूल पर वोट देने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की औकात दिखा दी। कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की औकात दिखाई, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक चरण बीत जाने के बाद दूसरे चरण में 11 मई को वोट पड़ेंगे। इस चरण में भाजपा की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि पार्टी ने कई नए प्रयोग किए हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी हुंकार भर ली। बीजेपी के नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को याद दिलाया कि कैसे सपा ने जनता को रौंदने का काम किया है। मौर्य ने कहा, जो अपने पीलीभीत को माफियागिरी गुंडागर्दी से आजाद करने का काम कर रहे हो, जनता की योजनाओं से झोली को भर रहे हो, आने वाले चुनाव में याद रखिए 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी और कमल का फूल बीजेपी की सरकार 2014 में बन गई थी, लेकिन यूपी में साइकिल थी जो लोग को रौंदने का काम कर रही थी, वो सपा और सैफई परिवार की साइकिल थी। और साइकिल को जब आपने पंचर किया तो विकास की गंगा पीलीभीत में बहने लग गई। मौर्य ने कहा कि यूपी के सभी जिलों में विकास की गंगा बह रही है और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। बीजेपी सरकार का मतलब है सबका साथ सबका विकास। हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार के बाद अगर नगर निकाय की सरकार नहीं बन पाई तो हमारे देश प्रदेश की सरकार का नगर नगर विकास का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं बीजेपी आस्था अग्रवाल के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे कर्ज मांगने आया हूं। इस कर्ज को मैं सूद ब्याज के साथ विकास कार्य के रूप में आपको लौटाने का वादा करता हूं। पिछले पालिका चेयरमैन रहे लोगों द्वारा जनता के पैसे और योजनाओं का बंदरबाज कर भ्रष्टाचार करने वालों को बता देना चाहता हूं कि जनता के पैसे के साथ हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर भ्रष्टाचार का खुलासा करके वसूली भी करने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी से मुक्त, अपराध से माफिया के मुक्त, सुशासन देने वाली पार्टी है, और जब से आपने देश और प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई है, तब से एक समीक्षा पीलीभीत में रह गई है। पीलीभीत नगर पालिका कमल खिला दो तो विकास की गंगा बहेगी और बेहतर काम किया जाएगा। यूपी में नगर निकाय का पहला चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने बिसलपुर नगर पालिका परिषद के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में कमल के फूल पर वोट देने की लोगों से अपील की। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लोग डबल इंजन की सरकार बना चुके हैं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। मैं यहाँ कमल खिलाने नहीं, विरोधियों की जमानत जब्त करने आया हूँ। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार ऐसी है जो सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।